हेलो पबजी लवर्स, कैसे हो आप सब। मैं बिंदास, फर्स्ट क्लास जगकास। तो गाइज हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। तो गाइज अगर आप लोग यहाँ पे BGMI खेलते हो तो इस वीडियो को अभी से स्किप कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जिस इवेंट के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो सिर्फ यहाँ पे पबजी मोबाइल के अंदर आई है। तो गाइज यहाँ पे इवेंट के लिए आप लोगों को क्या करना है कि सिंपली से आप लोगों को यहाँ पे इवेंट के ऑप्शन में जाना है। इवेंट में आप लोग यहाँ पे सेकंड नंबर पे रिकमेंडेड के अंदर देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे एकदम नीचे स्लाइड करने पे एक इवेंट देखने को मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे आर्केड ट्रेडिंग द एसेंशियल्स करके इवेंट है। अब गाइज अगर आप लोग इंडिया से हो तो आप लोगों को सबसे पहले कोई भी VPN लगाना पड़ेगा, तब जाके आपकी ये इवेंट होकर ओपन होगी। और अगर आप लोग इंडिया से बाहर हो तो डायरेक्टली आपकी ये इवेंट ओपन हो जाएगी। गाइज ये इवेंट यहाँ पे 23 तारीख से, मतलब आज से स्टार्ट हुई है और 6 जनवरी तक यहाँ पे चलने वाली है। आप लोगों को सिंपली यहाँ पे गो पे क्लिक करके इस इवेंट के अंदर चले जाना है। इसके अंदर आपको जिंक्स और यहाँ पे जैसी कैरेक्टर देखने को मिल रहा होगा, और गाइज आप लोगों को यहाँ पे एक बाइक की स्किन भी देखने को मिल रही होगी जो कि इस इवेंट के थ्रू मिलेगी। तो चलिए यहाँ पे देखो, इवेंट के अंदर मैं आ चुकी हूँ। अब गाइज यहाँ पे आप लोग देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से सबसे पहले मैं रूल्स पढ़ के बताती हूँ और साथ साथ इवेंट भी एक्सप्लेन करूँगी, जिससे और अच्छे से आप लोग यहाँ पे समझ पाओगे। तो गाइज यहाँ पे रूल्स में हम लोग क्लिक कर लेते हैं और इसके अंदर फर्स्ट रूल की बात करें तो गाइज यहाँ पे लिखा है कि आप लोगों को यहाँ पे टोटल 2 सिटी देखने को मिलेगी। तो दोनों सिटी में से किसी भी एक सिटी के आप लोगों को यहाँ पे मिशन कंप्लीट करने हैं, और उस सिटी के मिशन अगर आप लोग यहाँ पे कंप्लीट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे रिवॉर्ड भी मिलेंगे। उसके बाद सेकेंड नंबर पर गाइज यहाँ पे लिखा है कि अगर आप लोग यहाँ पे 15 कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हो एक सिटी के अंदर से, तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि आप लोग यहाँ पे जिस सिटी के कॉन्ट्रैक्ट लेते हो उस सिटी के यहाँ पे राइट्स ले पाओगे, बट यहाँ पे जो दूसरी सिटी होगी उसके राइट्स आप लोगों के पास से चले जाएंगे, मतलब वो सिटी के आप लोग फिर रिवॉर्ड भी नहीं ले पाओगे। तो गाइज यहाँ पे 2 रूल हो गए। अब 2 रूल में आप लोगों को अच्छे से इवेंट के तरीके के एक्सप्लेन कर दूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आप लोग यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे टोटल 2 सिटी देखने को मिलेगी, जो कि लेफ्ट में यहाँ पे ट्रेडिंग राइट्स जोन है और राइट में यहाँ पे ट्रेडिंग राइट पाइलो टावर करके है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक सिटी के आपको मिशन कंप्लीट करने हैं तो मैं यहाँ पे अच्छे से बता सकूँ, इसलिए मैं देखो दोनों सिटी के मिशन कंप्लीट करके आ चुकी हूँ। अब गाइज अगर आप लोग यहाँ पे लेफ्ट वाली सिटी सिलेक्ट करते हो तो आप लोगों को लेफ्ट वाली रिवॉर्ड मिल जाएगी, जिसमें पॉपुलैरिटी है, उसके बाद देखो 5 सप्लाई स्क्रैप है, जिंक्स की पॉपुलैरिटी है, लास्ट में यहाँ पे प्रीमियम क्रिएट कूपन है। और गाइज यहाँ पे अगर आप लोग राइट वाले सिलेक्ट करते हो तो उस तरीके से आपको राइट वाले मिशन के रिवॉर्ड मिलेंगे, जैसे कि उसमें भी पॉपुलैरिटी, क्लासिक कूपन, बैकपैक की स्किन है, तो ये सब है। तो चलो दोनों में से कोई भी एक सिटी सिलेक्ट करनी है, उसका मतलब यहाँ पे ये है कि आप लोग पहले मिशन कंप्लीट करो, उसके बाद यहाँ पे उसको कलेक्ट करो। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे कलेक्ट पे क्लिक करोगे तो गाइज आप लोगों की यहाँ पे सिटी सिलेक्ट हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे मैंने जिंक्स वाली सिलेक्ट करी, लेफ्ट साइड वाली, तो मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ स्टोरी जैसा बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे गाइज जैसे ही मैंने जिंक्स वाला सिलेक्ट कर लिया तो राइट साइड वाला देखो मेरा डिसेबल हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को दोनों में से कोई एक सिटी के मिशन सिलेक्ट करोगे तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे आप लोग देखो, मैं आप लोगों को पर्टिकुलर मिशन कलेक्ट करके भी बता देती हूँ। तो गाइज एक मिशन यहाँ पे मैंने कलेक्ट किया तो मुझे फर्स्ट वाला रिवॉर्ड मिल गया। इसका मतलब ये है कि एक मिशन के आप लोगों को 5 पॉइंट के समथिंग मिलेंगे। जैसे कि एक मिशन में देखो नीचे 5 पॉइंट पे मेरी पॉपुलैरिटी कंप्लीट हो गई, दूसरा मिशन मैं यहाँ पे कलेक्ट किया तो दूसरे मिशन से 5 पॉइंट और मिले तो मेरे 10 वाले पे सप्लाई क्रिएट कूपन मिल गया। ऐसे करके आप लोगों को मिशंस कंप्लीट करने हैं जिससे नीचे के रिवॉर्ड मिलेंगे। अब गाइज यहाँ पे जैसे जैसे आप लोग मिशन कंप्लीट करोगे तो आप लोगों को रिवॉर्ड तो मिलेंगे, लेकिन उसके बाद आप लोगों को मैं सेकेंड रूल में बताऊँ तो गाइज सेकेंड रूल में यहाँ पे ये लिखा है कि जब आप लोग यहाँ पे 15 कॉन्ट्रैक्ट किसी एक सिटी के ले लेते हो तो आप लोगों को यहाँ पे ट्रेडिंग करने का राइट्स मिल जाएगा, बट यहाँ पे क्या होगा कि जो दूसरी सिटी होगी ना उसके मिशन यहाँ पे बैन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे किसी पर्टिकुलर सिटी के मिशन कंप्लीट करके 15 कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हो तो उसके तो आपको राइट्स मिलेंगे, बट दूसरी जो अपोजिट सिटी होगी वो यहाँ पे बैन हो जाएगी और उसके बाद आप लोग उसके मिशन कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो गाइज ये रूल मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए एक गेम कंप्लीट करके आ चुकी हूँ, जिससे गाइज मेरा यहाँ पे एक और मिशन था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज यहाँ पे देखो, इस मिशन को जैसे ही मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया तो लेफ्ट वाली जो ब्लू सिटी है वहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे 15 पॉइंट हो चुके हैं, ठीक है। आप लोग देखो
पहले यहाँ पे 10 थे, अब मेरे 15 पॉइंट हो चुके हैं। तो गाइज जैसे ही आप लोगों की किसी पर्टिकुलर सिटी के 15 पॉइंट हो जाते हैं ना, तो अपोजिट वाली सिटी ऑटोमेटिकली बैन हो जाएगी। जैसे कि राइस वाली सिटी देखो मेरी बैन हो गई है, ठीक है। पहले मैंने जब सिलेक्ट किया तब तो डिसेबल हुई, बट 15 पॉइंट जैसे ही मेरे हो गए तो राइट वाली सिटी बैन हो गई। अब गाइज यहाँ पे क्या है कि जैसे ही आप लोगों को 15 कॉन्ट्रास्ट मिल जाते हैं, उसके बाद आप लोग यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों के अच्छे से मिशन कंप्लीट करने के लिए और फास्टली मिशन कंप्लीट करने के लिए एक और प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, जो कि यहाँ पे नेक्स्ट रूल में हमें बताया गया है। अब गाइस नेक्स्ट रूल में आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो राइट साइड में ऊपर आप लोग देखो, आप लोगों को फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे डाइवर्सिफाई करके ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे 15 के बाद ही ये वाला ऑप्शन आप लोगों का ओपन होगा, ठीक है। तो देखो मेरे भी 15 पॉइंट हुए, तो इसके ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो गाइस अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप लोगों को अपने फ्रेंड की यूज़र आईडी डालनी है। बट यूज़र आईडी आप लोग कौन से फ्रेंड की डालोगे जिसने आप लोगों की अपोजिट सिटी सिलेक्ट करी होगी। जैसे कि आप लोगों ने लेफ्ट वाली सिटी सिलेक्ट करी, तो आप लोगों का कोई ऐसा फ्रेंड होगा जिसने राइट वाली सिटी सिलेक्ट की होगी, उसकी यूज़र आईडी आप लोगों को यहाँ पे डाल देनी है। और गाइस यहाँ पे जैसे ही आप लोग उस बंदे की यूज़र आईडी डालते हो, उसके बाद आपको ओके कर लेना है, और जब सामने वाला बंदा एक्सेप्ट कर लेगा ना, तो आप लोगों का यहाँ पे एक फ्रेंड लिंक हो जाएगा, ठीक है। डाइवर्सिफाई के अंदर आपका एक फ्रेंड लिंक हो जाएगा। और गाइस यहाँ पे जैसे ही एक फ्रेंड आपका लिंक होता है, तो जो राइट साइड वाले बैंड हो गए ना मिशन, जो दूसरे सिटी वाले जो मिशन बैन हो गए होंगे, वो आप लोगों के ओपन हो जाएंगे, ठीक है। किसी अदर कंट्री वाले बंदे को आप लोग यहाँ पे लिंक करते हो तो आप लोगों के मिशन अनलॉक हो जाएंगे जो बैन हुए होंगे, और उसी के साथ गाइस फिर आप लोग उस मिशन को भी एक्सेस कर सकते हो और कंप्लीट करके आप लोग उस तरफ के भी, मतलब दूसरी सिटी के भी आप लोग रिवॉर्ड ले सकते हो। तो ये हो गया डाइवर्सिफाई का मतलब। और उसके बाद सेकेंड आप लोग गाइस यहाँ पे देखोगे तो सेकेंड यहाँ पे है कंसोलिडेट करके, ठीक है। अब कंसोलिडेट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक ऐसे फ्रेंड की यूज़र आईडी डालनी है जो फ्रेंड आप लोगों का यहाँ पे सेम सिटी सिलेक्ट किया होगा। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे लेफ्ट सिटी सिलेक्ट करी और आपकी किसी फ्रेंड ने भी लेफ्ट सिटी सिलेक्ट की होगी, तो उसकी आईडी आप लोगों को यहाँ पे डालनी है, जिससे गाइज अगर वो फ्रेंड आपका लिंक कर देता है ना, तो आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टोकन मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों का डिफरेंस यही है। आप लोगों को यहाँ पे कंसोलिडेट में सेम सिटी वाले बंदे की यूज़र आईडी डालनी है और वो लिंक करेगा तो आपको एक्स्ट्रा टोकन मिलेंगे, और डाइवर्सिफाई के अंदर आप लोगों को अपोजिट सिटी वाले बंदे की आईडी डालनी है, जिससे राइट वाले जो आपके मिशन होगी अपोजिट सिटी के, वो अनलॉक हो जाएगी और आप लोगों को उसके भी यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेंगे। और जैसे जैसे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टोकन मिलते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पे ट्रेडिंग करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और उसी ट्रेडिंग के थ्रू गाइज आप लोगों की यहाँ पे बाइक की स्किन भी निकलेगी, जो कि बाइक की स्किन तो टाइम लिमिटेड है, बट ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग टोकन लेते हो और ज़्यादा से ज़्यादा गाइज आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करोगे, तो आप लोगों को एक परमानेंट अवतार फ्रेम भी मिलेगी, जो कि ऊपर की साइड है, ठीक है। तो इसी तरीके से गाइस पूरी इवेंट है, जो कि आपको अच्छे से फॉलो करनी है। आप लोग मानोगे नहीं, 8 बजे से इस इवेंट के पीछे पड़ी थी और अभी जाके अच्छे से मैं इस इवेंट को समझी हूँ। चले गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पे कंट्री बता दूँ, तो गाइस यूएसए कंट्री के अंदर ये इवेंट है। अगर आप लोगों की भी यूएसए कंट्री हो तो आप लोग इस इवेंट का फ़ायदा उठा सकते हो। आई होप गाइस आप लोग इवेंट को अच्छे से समझ गए होंगे। चले वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।